नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। राज्य में पुणि 69 जीवन नेला कोरोना। कटक सर्वाधिक 38 मृत। 24 घंटे 816 नुआ पॉजिटिव। खोर्धार सर्वाधिक 291 चिन्हट। सेबड 18 वर्ष रु कम बयस 106 आक्रांत। खोर्धा बेगुनिया रे तालिबानी शासन। मानववाद नारे बर्बरतार वीडियो वायरल। संगठन में सामिल न होबारु निर्दुम माड़। पुलिस कहला अभियोग आसिले कार्यानुष्ठान। बलांगीर तुसुरा थाना डुंगुरीपाली गांव में अघटन। सीमेंट लोडिंग बेले 11 केवी विद्युत तार संस्पर्शरे आसी जलीगला ट्रक। घटनास्थल में ड्राइवर जीवंत दग्ध। महंगा डबल मर्डर घटनारे नुआ ट्विस्ट। प्रताप जेना ना पुलिस चार्जसीट्रु काटा को असंतोष प्रकाश कले कोर्ट। सानी तदंत निर्देश पर राज्य सरकार को टार्गेट कला बीजेपी। कुलमणि बराल पुओ कहले मंत्री विरोध में रही यथेष्ट प्रमाण। परी मामलें बाबुली को सुरक्षा देवापर एवं 80 कोटी स्कामे गयाधर पीड़ा मुंड मंत्री अरुण साहू का हाथ। जाल दस्खतर प्रमाण पर भी गयाधर विरोध में आक्शन सुन। जिला प्रशासन भूमिका को नहीं उठिला प्रश्न। आत्मघाती विस्फोरण में कंपिला काबुल। एयरपोर्ट निकट में आतंकी अटाक में 70 अधिक मृत शताधिक आहत। आक्रमण पछरे आईएसआईएस खुरासान हाथ सदेह। काबुल सीरीज विस्फोरण में 13 अमेरिकन का मृत्यु परे बाइडेन का बड़ बयान। आक्रमणकारी को कराजिबो निक्षमा। सेनार मृत्युर मूल्य देवा को पड़िबो। आसंताकाली ढेंकानाल रे कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपोर भूमि पूजा। जोगदेवे केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी। 395 कोटी टंकार पुंजी निवेश। स्टोरेज क्षमता रहिब 42,000 किलोलीटर। आज पवित्र रेखा पंचमी। श्रीमंदिर में महाप्रभु को लागी हेबो राहु रेखा। गुप्त नीति संपादन करिवे दैतापति सेवात। अपराह्न 2 टा रु संध्या 7 टा पर्यंत भक्तों को दर्शन मना। देखो संपूर्ण खबर। राज्य में पुणि 69 जीवन नहीं कोरोना। कटक सर्वाधिक 38 और जगतसिंहपुर 9 जन मृत्यु हो। सेबड़े 24 घंटे 816 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। 475 क्वारंटाइन और 341 जन लोकाल केस रही। सेबड़े चिन्हट हो आक्रांतों मध्य 18 वर्ष कम बयस 106 जन पॉजिटिव रही। खोर्धार 291, कटकु 116, बालेश्वर 46, जगतसिंहपुर 34, पुरी 20 और स्टेट पुल 62 जन रही। राज्य में 8,271 आक्टिव केस रही बेले 98,884 जन सुस्थ हो। खोर्धा बेगुनिया रे तालिबानी शासन। मानववाद संगठन बर्बरतार वीडियो हेला वायरल। संगठन में सामिल न होबारु मानवीकतार सबु सीमा टपिगले मानववाद संगठन कर्मकर्ता। बाप पुओंकु गोरु गाईंक भली पिटिले जहार वीडियो एबे सामाजिक गणमाध्यम रे वायरल हेबार लागिछे। ये से मानववाद संगठन जे गत 2 तारीख रातिरे अभिमानपुर गाँवर सत्यव्रत नायकंकु हत्या करी पोड़ी देइथिले। किंतु ता पूर्वरु कड़प गाँवर मगुणी नायक और पुओं को मानववाद संगठन कर्मकर्ता घर डाकी नहीं। करड़गाड़िया कोठो घरे निर्धु माड़ मार वीडियो एवं सोशल मीडिया रे वायरल होई। संगठन कर्मकर्ता भयरे मगुणी और पुओ थाना अभियोग कर जमापड़े। सेबड़े घटना पछरे मानववाद संगठन मुख्य वकिल मानस दास रही। सेबड़े घटना संपर्क में बेगुनिया थाना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद शतपथी वायरल वीडियो संपर्क में कौन सी रिपोर्ट आम पाखक आसीनी। तेबे घटनार तदंत करी आमे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवु। तो मानववाद संगठन बर्बरता सामना को आसी खोर्धा बेगुनिया थाना अंचल। यह होछि केमळी बाबे मानववाद संगठन तालिबानी शासन करुछि। बाप पुओ को घर उठाई नहीं निर्धुम पिटुछंती तहार चित्र सामना को आसी। बर्बरतार ए वीडियो वायरल होगा पर बेगुनिया थाना एपर्यंत
कौन पे कार्यानुष्ठान ही बड़ प्रश्न संगठन में सामिल नहेबारु मानविकतार सब सीमा टपि जाइछन्ति मानववाद संगठन कर्मकर्ता बापो पुओं को किभली भाव गोरु गाई भली एक कोठो घरे पिटुछन्ति तहार चित्र देखते चित्र देखा पर आप मन में प्रश्न आसूर्त ए बर्बरता विरोध में बेगुनिया थाना चुप कौन पे पुलिस निज आड़ मामला रुजू कर यार तदंत करूना जो मैंने सामिल अच्छा जो मैंने आईन को हत नहीं जो मैंने मानववाद संगठन ना बाप पुओ को निर्धम पिटुचंती से विरोध में कौन पे कार्यानुष्ठान एपर्तंत होना आमको घर डाक नहीं गले बर्तमान से दिन दिन दसटा भितर तारीख कौ दिन किए डाक तारीख मोर अवश्य मन ना से तारीखटा आज की तो दुई मस पखापाखि दुई मस हो गला तेणु किए डाक नहीं से संगठन लोक मैं कौ संगठन से मानववाद संगठन लोक मैंने से डाक नहीं गले ताध्यम से मैंने करड गाड़ा ठे नहीं पहुँचे देते पहुँचे आमको से आंठुआ बसइले आंठुआ बस बर्तमान पुह को मत बाप पुह को दीज को आमको आंठुआ बसइले ताध्यम हेटू से आउ गोटे घर को लेकिन गले से कोठ घर अच्छी से कोठ घर मध्य दस पंदर लोक चारिपट जाक चेकिक रे से भी आम देह जमा सब काढ़ीदे काढ़ी मध्यम आमको ये आरंभ हो गला पिटा गत अगस्ट दुई तारिख दिन ये मानस दासर प्ररोन मानस दास निर्देश में तारी नेतृत्व में किसी गुंडामी लोक मूँ से सेटिंग कर मुझे भेणे की निर्मम भाव में बाड़े मारिकी से पोड़ी देते करड़ गाड़िया का जंगल भितर आज आपने जो भिडियो टी देखुं से भिडर में तारी निर्देश सब कार्यक्रम चली भाव में निरीह आदिवासी लोक मूँ संगठन में मिसाइप जोर जबरदस्ती करूँ जो मैंने मिसु ना जो मैंने दल को अवज्ञा करुँ ये भाव निर्मम भाव में निर्दय भाव में जो भाव में गाई गोरु भाई पिटिकी से मार्ग तेणु यार विहित कार्यानुष्ठानी मुझे प्रशासन को ये अनुरोध करुँ बर्तमान सुधा सेमती किसी रिपोर्ट आम पाखे ना रिपोर्ट भी पाइनी आउ से भिड भाइराल देखी आम मैंने आपड़ जहाँ कहते देख शुणुटा भेरीफाई कला जानवर केस हम कि कौन आक्शन दिज्व मौसुमी अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति बाचस्पति अध्यक्षतार बैठक अनुष्ठित हो आगक मौसुमी अधिवेशन थे केमी चलो अधिवेशन से नहीं आलोचना सेप्टेम्बर एक रु आरंभ हो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन एथर अधिवेशन में मोट आठटी कार्य दिवस रही है विधानसभा कार्यविधि केमी चलो से नहीं सर्वदलीय बैठक डाकी बाचस्पति प्रदीप्त महापात्र भुवनेश्वर प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना प्रदीप्त आठ दिनिया कार्य दिवस रही विधानसभा मौसुमी अधिवेशन केतेबेले सर्वदलीय बैठक बसुची क्यों उपस्थित रहुछन्ति निश्चित भाव अपूर्व आप जो कथा कहले विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आगामी एक तारिख रु आरंभ हो आठटी कार्य दिवस रोचे ता पूर्व विधानसभा किपर भाव सुरखुरी चलो और श्रृंखलार सहित चलो से बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र सर्वदलीय बैठक डाकी बैठक आरंभ हो गला एगारटा समय बैठक थिला वर्तमान बाचस्पति बैठक में पहुंची सारी विरोधी दल उपनेता विष्णुचरण सेठी पहुंची सारी सहित कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र और संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम केशरी आरुख आम जब कहीपर जे अच्छा जाजपुर विधायक प्रणव प्रकाश दास सेमती विभिन्न विधायक और मंत्री समेत उभय जो विरोधी एवं शासक दल नेता मैंने पहुंची सारी विधायक मैंने पहुंची सारी बैठक वर्तमान आरंभ हो विशेष भाव में बैठक मौसुमी अधिवेशन रे क्यों क्यों प्रस्ताव क्यों क्यों प्रसंग को लेकिन आलोचना हम एवं किपर भाव जो आठटी कार्य दिवस रही श्रृंखलार सहित तुलाजीव एवं विरोधी माने किपर भाव सहयोग करेंगे एवं क्यों क्यों केते समय प्रश्नकाल रश्नकाल अवधि आउ वृद्धि जो रही कि नहीं कारण जेहेतु कोविड कटकणा भितर विधान मौसुमी अधिवेशन बस तेणु से समय प्रश्नकाल ठार आरंभ करके शून्यकाल मूलतवी प्रस्ताव सब तमाम प्रसंग को लेकिन आज सर्वदल बैठक में विधायक एवं खासकर विधानसभा किभली सुरखुरी चलो से नहीं बोध अधिक आलोचना हो पाए कारण पूर्व देखीजे जे विधानसभा चली पार ना ठीक से अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना निश्चित भाव में अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग थाए आम सरकारी योजना कथा कह साधारण लोकों पर सरकार जो सब कार्यक्रम विभिन्न बिल पास होता है विधानसभा अधिवेशन समय तेणु यही मौसुमी अधिवेशन अनेक गुरुत्व रखुच्छी कारण वर्तमान राज्य में मरुड़ी भली स्थिति देखाई
ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେବ, ତାପରେ ପରେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ଜବାବ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହିଟଲରୀ ଶାସନ, ପାଣି ବୋତଲ ନ ଆଣିବାରୁ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋକନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଶରତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀଳିମା ନାୟକ। ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଣି ବୋତଲ କାହିଁକି ଆଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଗରମରେ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଡ଼ି ଦେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ବେହୋସ ହେଲେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀଳିମା ନାୟକ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଲି ପାଣି ବୋତଲ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀଳିମା ନାୟକ ଆମକୁ ବାହାରେ ଗୋଡ଼ିରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 45 କି ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲି ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇନଥିଲୁ ବୋଲି ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ର ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହେଇଛି, ଭଲସେ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପାଣି ବୋତଲ କ'ଣ ନେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ତଳେ ଗୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁରେ ଦେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପଦାରେ କଳା ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖରାରେ, ଆମେ ସେ ବିଚରା ସେ ପିଲାଟାର ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ ଗୋଡ଼ ହେବ କହିଲା ଆମେ ବିନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଟେକି ଯାଉଥିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପଚାରିଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା କହିଲା ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୁଲିସ। କଟକରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କଟକବାସୀ ଆଜି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଛନ୍ତି। କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି, କଟକରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପୁଛି। କୋଭିଡ ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା ନଥିଲା, କୋଭିଡରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ କଟକରୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା ନାହିଁ କଟକରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କଟକ ସହରକୁ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ କରିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେରି ଯାଅ। କଟକରେ କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏକମୋ ମେସିନ୍ ଲାଗିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍। ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଏକମୋ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଲେ, 9 ମାସ ହେଲାଣି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଏହି ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଦାବି ସହିତ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଆଜି କଟକ ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଇସ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କଳପତ୍ରା ଦେଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଛକଠାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କଟକର ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇସ୍ମୋ ମେସିନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ନଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସିକନ୍ଦର ଅଲ୍ଲୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି, ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ନଗରର ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି, ପାଖରୁ 7ରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜୁଆଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି କଳାପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି।
बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास आम कटक प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते जे कि भाव बीजेपी कर्मी आज मुख्यमंत्री गस्त को विरोध करी आगुक जेहेतु निर्वाचन आसूची तेणु केवल निर्वाचन प्रचार पर गस्त कर मुख्यमंत्री यही अभियोग सहित आज बीजेपी कर्मी कला पताका प्रदर्शन करते महंगा डबल मर्डर घटना रे अडुआरे मंत्री प्रताप जेना मंत्री ना कहीं चार्जसीट्रु कटिला तार हेब सानी तदंत सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट देइछंती एई निर्देश महंगा आईआईसी को तदंत करी रिपोर्ट देवाकू कहिछंती कोर्ट महंगा डबल मर्डर घटनार मुदाला तालिकार 13 नंबर रे मंत्री ना थिले भी चार्जसीट्रे पुलिस तांको ना काटिदेबा परे कोर्टर द्वारस्थ होइथिले कुलमणि बराळंक पुओ रमाकांत बराळ चार्जसीट्रु केमिति कटिला प्रताप जेनाको ना मुदाला नंबर 13 कटिबा पछरे किए देउथिला आईन मंत्री प्रताप जेना को सुरक्षा महंगा डबल मर्डर घटना रे नुआ ट्विस्ट 13 नंबर मुदला प्रताप जेना को ना पुलिस चार्जशीट रु काटिबा को ने असंतोष प्रकाश करछंती कोर्ट ये हुछि सालेपो जेएमएफसी कोर्ट कराय पुणी थरे तदंतर आवश्यकता अछि बोली उपलब्धि करी कोर्ट अधिक तदंत पई महंगा आईआईसी को निर्देश देछंती कोर्ट को सानी तदंत निर्देश परे मंत्री को पई अडुआ पड़ीतिबा बेले सरकार को निशाना करछि बीजेपी महंगा डबल मर्डर रे सालेपुर जेएमएफसी कर गुरुत्वपूर्ण राय वर्तमान रो आईन मंत्री नगर उन्नयन मंत्री ये परिसर भुक्त खेबे तदंत्र एवं महंगा पुलिस को आज स्पष्ट भाव रे निर्देश दैछंती के तांको ना भी मु बुझुतली बाटरे मिस अंकिता गुरु महंगा डबल मर्डर घटना रे अभियुक्त तालिकार 13 नंबर थिला आईन मंत्री प्रताप जेना को ना हेले चार्जशीट दाखल बेले मंत्री को ना को काटी देथिला पुलिस परे काहे की मंत्री को ना कटिला तार प्रतिवाद रे सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करथिले कुलमणि बराळ को पुओ रमाकांत बराळ एबे कोर्ट को निर्देश आसीबा परे रमाकांत कहिछंती तांको पाखरे मंत्री को विरोध रे जथेष्ट प्रमाण अछि जहां से कोर्ट रे दाखल करिवे तेबे अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल को पाखरे मंत्री को संपृक्ति नै तथ्य थिबारु तांको हत्या करा जाइछि बोली कहि पुणी आईन मंत्री को काठगडा को टाणिछंती रमाकांत जो अधिकारी माने मंत्री को विरुद्ध रे जो अभियोग थिला ताको उल्लेख कले नै चार्जशीट रे आमे तांको पाखरे कहिबु कोर्ट रे मध्ये कहिबु जहां जहां साक्ष्य प्रमाण अछि जहां हम पर एविडेंस अछि आमे कोर्ट को प्रदान करिवु एवं पुनः तदंत हले जो अधिकारी महोदय जीव ताको भी संपूर्ण सहयोग करिवु एवं न्यायाधीश ऊपर हमरो आशा भरोसा निश्चित आशा रखिछु निश्चित आमे न्याय पाइबु जनवरी मासरे महंगा नृत्यंगर बीजेपी नेता कुलमणि बराळ और दिव्यसिंह बराळ को निर्मम भाव हत्या करा जायतिला ए घटना पछरे मंत्री प्रताप जेना का हाथ थिबा अभियोग करथिले मृतकों परिवार एफआईआर रे 13 नंबर रे थिला मंत्री प्रताप जेना को ना तेबे कोर्ट को निर्देश आसीबा परे एबे पुलिस रो भूमिका को नेबी उठिछि प्रश्न केमिति ओ केउ परिस्थिति रे पुलिस आईन मंत्री को ना चार्जशीट रू काटिला ओ तदंत को मंत्री केमिति प्रभावित करिछंती ताको नेबी उठिछि प्रश्न कटक रु इमरान खान को सो भुवनेश्वर सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसंता काली ढेंकानाल रो कॉमन यूजर फैसिलिटी रो तैल डिपो भूमि पूजा भूमि पूजन करिवे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं हरदीप सिंह पुरी जेउठी 42,000 किलोलीटर एमएस एचएसडी इथानल एवं बायो डीजेल को संरक्षित रखा जिवो एथिपाई 395 कोटी टंकार पुंजी निवेश करिवे इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल 2023 सुधा प्रकल्प काम शेष करिबा को लक्ष्य धार्य रखा जाइछे आसंता काली ढेंकानाल रे कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपोर भूमि पूजा जोगदेवे केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ढेंकानाल सदाशिवपुर हेब कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो 395 कोटी पुंजी निवेश कर इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल प्रकल्प निर्माण व परिचालन प्राय 2,00,000 मानव दिवस सृष्टि उपकृत हेब अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ ढेंकानाल जिला ढेंकानाल सदाशिवपुर कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो भूमि पूजन उत्सव में जोगदेवे केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 42,000 किलोमीटर स्टोरेज क्षमता विशिष्ट स्वयंचालित तैल डिपो एमएस एचएसडी इथानल
एवं बायो डीजेल को संरक्षित कर रखा ए प्रकल्प पर राज्य सरकार 49.671 एकर जगह किणव विशेषकर पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन खर्च ह्रास दिगरे विशेष लाभदायक हेबो एक कॉमन यूजर फैसिलिटर डिपो प्राय 50 एकर जमि में 395 कोटी व्यय में इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल मिलित सहभागितार यार निर्माण हो डिपो द्वारा अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ और ढेंकानाल जिला विशेष उपकृत हो के प्रभारी इंचार्ज है और माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के इंचार्ज हैं इनके कार्यक्रमों द्वारा माननीय एमओएस मिस्टर रमेश्वर तेली जो पेट्रोलियम विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और हमारे साथ जुड़े रहे हुए माननीय एमपी श्री महेश साहू और माननीय एमएलए श्रीमती सीमा रानी नायक उस दिन उस प्रोग्राम में मौजूद रह के अपने कर कर्मों द्वारा भूमि पूजन और इस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे फाउंडेशन स्टोन लिंग सेरेमनी का एक हिस्सा बनेंगे ताकि ये कार्य हम आगे कर सके। ये प्रकल्प निर्माण व परिचालन 2 लाख मानव दिवस सृष्टि हेबो ए प्रकल्प परे भविष्य में बीपीसीएल व एचपीसीएल मिलित सहभागितार ध्रुता पेट्रोलियम कॉमन यूजर फैसिलिटर प्रकल्प स्थापन करिवार योजना अछि से भले पश्चिम ओडिशा झारसुगुड़ा ठारे पेट्रोलियम टर्मिनल स्थापन पाई बीपीसीएल रो प्रस्ताव अछि एतिपाई बीपीसीएल व एचपीसीएल सह मिसी 98 एकर जगह चिन्हट होइतबा कहिसेंति इंडियन ऑयल रो राज्य मुख्य शुभजीत घोष जब ये कार्य होगा 2 लाख मैन डेज का कंस्ट्रक्शन ये डिपो तैयार होते होते जो हमारा अनुमानित समय है 31/8/2023 तक हम खत्म करना चाहेंगे 24 महीनों के अंदर और 2 लाख मैन डेज का कंस्ट्रक्शन के हमको एक उपलब्धि होगी उसके बाद जब डिपो चलेगा वहाँ पर भी काफ़ी मैन पावर की जरूरत होगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में उड़ीसा में इस प्रयास से हम और आगे बढ़ जाएंगे। 2023 सुधार प्रकल्प काम शेष करने को लक्ष्य धार्य हो तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में बीपीसीएल बलांगीर 44 टीएमटीपीए क्षमता विशिष्ट बटलिन प्लांट निर्माण कर जहाँ रेकर्ड समय 19 मास भितर कार्यक्षम होता यह आरंभ होगा दिन ठार् प्लांट में प्राय 25 लक्ष एलपीजी सिलिंडर कर बटलिन प्लांट में प्रतिदिन परोक्षर 100 व्यक्ति को रोजगार जोगा जाउछि। भुवनेश्वर चिन्मय साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य में बढ़ी चली निशा कारबार प्रतिदिन विभिन्न स्थान में चली धला जहर कारबार तेज आज जलेश्वर में पुणी ब्राउन सुगार जबत सकाले समय रे बालेश्वर अबकारी दायित्व थिबा डिप्टी कमिश्नर को निर्देश रे जलेश्वर में 10 जनिया टीम 60 नंबर जातीय राजपथ चालंती छक निकट रे एक संदेहजनक भाव में एक भ्यान को अटकई गाड़ी को जांच करिवारु 150 ग्राम धला जहर सहित जड़े महिला और गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्त कर अबकारी विभाग तदंत जारी रखी जबत धला जहर आनुमानिक मूल्य 15 लक्ष टा होनापड़ी। परी मामलें बाबुली को सुरक्षा देवापर एवं 80 कोटी स्काम गयाधर परिडा मुंड मंत्री अरुण साहू का हाथ जाल दस्खतर प्रमाण पर भी गयाधर विरोध में आक्शन होने जिला प्रशासन भूमिका उपरे उठी प्रश्न। मेरे दो अनमोल रतन सेबे बाबुली एबे गया परी केस रे बाबुली को सुरक्षा देले मंत्री अरुण साहू एबे 80 कोटी स्काम रे गयाधर परिडा मुंडरे मंत्री हाथ जाल दस्तखत प्रमाण पर भी गयाधर विरोध में आक्शन सुन जिला प्रशासन भूमिका नहीं उठिला प्रश्न। नयगढ़ अरुण गया राज नजर पकातु ए फोटो सबू पर मंत्री अरुण साहू राइट हैंड गयाधर परिडा भापुर ब्लॉक अध्यक्ष अरुण साहू तांको बॉस तांको इशारा रे काम करिवे गयाधर आउ गयाधर को सुरक्षा देवे अरुण यांको नारे आसी संगीन अभियोग अभियोग आनी पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलता बेहरा अभियोग हो शांतिलता जाल दस्खत करी 80 कोटी टंका हड़प कर गयाधर एने थाना अभियोग कर शांतिलता तदंत पर जाल दस्खत प्रमाण भी मिली
हेले कार्यानुष्ठान नेउनाहंती नयागढ़ जिलापाल खाली सेतिके नुहे गयाधर ब्लॉक उपाध्यक्ष थिबाबेले जबरदस्ती शांतिलता ऑफिस रे बसुथले तांकु जातियाण आक्षेप भी करुथले अशी कोटी लुट र नायक गयाधर परिडा एबे ब्लॉक अध्यक्ष दुर्नीति अभियोग आणिबा परे शांति लता को षडयंत्र करी अनास्थारे हटाई दियागला ठीक परी केस रे बाबुली विरोध रे हल्लाबोल करथिले सेतेबेलर सरपंच सौम्य रंजन प्रधान तांकु भी अनास्थारे हटाई दियागला उभय केस रे मास्टर माइंड मंत्री अरुण साहू बोली अभियोग होईछे सेबे बाबू एबे गया एबे जोर धरिछि गयाधर परिडांक गिरफ दाबी आमर ऑलरेडी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को एश्योर करने करिया पई सेटा पुलिस तरफ रु भी आमर जीव प्लस जो जदी फॉर्ज हेई छी सेटा सर्टन हेला परे किए सेटा दाई अछि सेटा भी आमे इंक्वायर करिबू जहा हु विल बी रिस्पांसिबल जे भी रिस्पांसिबल थिबे से गवर्नमेंट पदाधिकारी हो कि किंबा आउ के थांतु सेटा सर्टन करला परे आमे एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन जदी उपजिलापाल तदंत रिपोर्ट देथिले ताहाले कार्यानुष्ठान हेला नाही काहे कि जदी जिलापाल छुट्टी रे थिले ताहले अनास्था भोट हेला केमिते मंत्री का सुरक्षा ढाल अच्छी बोली गयाधर को डरुछि के प्रशासन मंत्री अरुण साहू का खास बोली सबु माफ नयगढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज समस्त अर्गस अपडेट को यही रखु मत विदाय दिंतु नमस्कार।